तो जनाब हमने बरीदा के लिए ईद की शॉपिंग पहले ही कर ली थी ऑनलाइन। एक सूट उसका ऑर्डर किया था जो जिनके फर्स्ट वीक का होता है, तो उसका गिफ्ट आ गया हुआ है। एज ए गिफ्ट ही हुआ ना बेटा आपके लिए। तो क्या कहते हैं, बरीदा बहुत खुश है और कहती है बाबा इसकी जो है अनरैपिंग करने से पहले इसकी एक वीडियो भी हम बनाएंगे, तो उसकी खुशी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आपको कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा। आपकी ईद का सूट आ गया है? और अल्लाह का शुक्र अदा करो पहले तो कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम वक्त से पहले अपनी जरूरियात को पूरा करें, और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना आता है। ठीक है, तो ठीक है। आए जनाब, पहले एक और आपको मैं खबर दे दूँ। इसमें मैंने अपनी अम्मी के लिए भी एक सूट मंगवाया है एज ए गिफ्ट उनके लिए, और अपनी बेगम के लिए भी। तो वो भी अभी आपको अनरैपिंग करके मैं आप दिखाऊंगा। उनके लिए सरप्राइज है जी। ठीक है, पहला सरप्राइज जी हम ब्रीजा का ईद का सूट अनरैपिंग करते हैं जी उसकी। तो ये सफायर से मंगवाए हैं मैंने ऑनलाइन, सफायर काफी महंगी चीज है। अच्छा लो जी बरीदा, ये है जनाब बरीदा का सूट। और इसकी जो प्राइस है वो 7,990 रुपीज है। ठीक है, ये देखिए बरीदा कैसा है, बहुत प्यार जी। प्यारा है बेटा। मुझे अच्छा लगा था, मैंने इसलिए आपका ना ये सूट ऑनलाइन मंगवा लिया। ये है जी इसका, समझने के बेल बॉटम टाइप ही है। ये जी आपके शलवार की टाइप, और ये इसका प्यारा सा छोटा सा दुपट्टा है जी। बरीजा की तो शॉपिंग होगी जी सक्सेसफुल। ठीक है, अब बाकी जो उसकी है थोड़ी मोटी चीजें वो साथ साथ हम बनाते रहेंगे। और मिडिल क्लास बंदे के लिए यही होता है कि वो जो है ना शॉपिंग जो ईद की है वो पहले कर ले बच्चों की, क्योंकि ईद पे आपको पता है रील्स हाँ वगैरह ये बहुत ज्यादा होते हैं। बाबा तो ये है जनाब बेटा बेगम साहिबा का सूट, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था सफाई से। वो खुश हो जाएंगी बेगम। और ये है जी अम्मी का सूट, ये ईद का तो नहीं कह सकते लेकिन एज ए गिफ्ट उनके लिए सरप्राइज, सालगिरह का था, उनकी बर्थडे थी, तो ये हमने ना ऑनलाइन मंगवाया उनके लिए। ये है जी माँ जी का सूट, ये देखें सफायर से मंगवाया है। कहते माँ खुश हो तो सब कुछ ही खुश होता है, सब अच्छा होता है, माँ को खुश रखना चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये सर्दियों के यानी सूट है, गर्मियों के नहीं है, और ये बहुत अच्छे गर्म सूट है। और क्या कहते हैं, ब्रांड है एक तो, और बेस्ट सूट है जी ये उनके लिए, मैं देखियो बेस्ट ब्रांड है जनाब। बेगम साहब पीछे से गाइडलाइन दे रही है मुझे सारी सारी। तो अब ये हमें खोलना तो नहीं आता, हम तो ऐसे देसी जाट से बने हैं। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये माजी का सूट है जी। ठीक है, आपको मजे की बात बताऊं, मेरी अम्मी टेलर नहीं है, वो लेडीज टेलर है, और वो अपना सूट खुद ही सिलेंगी। ये एक बड़ा एडवांटेज है। ये जी उनकी कमीज दुपट्टा ये खुद ही वो सेट कर लेंगी। ये देखे क्या हो आपको मैं खोल के दिखाऊंगी, ये तो लेडीज का काम है। बस मैं आपको इसके ना वो दिखा देता हूँ निकाल के, आप मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा।
और अपनी माँ को सरप्राइज देते रहना चाहिए छोटे मोटे, इससे वो खुश रहती है, देखने भी खुश रहती है भाई। ये भाई देखें, ये बेगम साहिबा, और जहां बेगम का मंगवाएं वहां माँ का लाजमी नहीं मंगवाएं। आपको बहुत सी दुआएं जो मिलेंगी ना वो आपके काम आएंगी। तो जनाब बताइएगा, बरीदा का सूट कैसा लगा, माँ जी का कैसा लगा और बेगम साहिबा का कैसा लगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अभी माँ जी के पास जाते हैं, उनको उनका सरप्राइज देते हैं, ओके उसका भी एक छोटा सा रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक कह दें यार, और अपने दुआओं में याद रखें। अभी थोड़ी देर में माँ जी के पास चलते हैं, उसको भी साथ आपका ब्लॉग में अटैच करके मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अम्मी आ गई है अपने कमरे में, हम उनको सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं। लो जी, सलाम अलैकुम, ये आपका गिफ्ट प्रोडक्ट। देखें जी, मेरी अम्मी का पहला जुमला ही प्रोडक्ट निकला है। ये आपकी बर्थडे का गिफ्ट था। हाँ थैंक यू। क्या है क्या देखें तो सही कैसा है। करना अंदर आ जाओ। क्या अरे नहीं प्यारा है खरीदा ना मतलब वो अम्मी आ रहे हैं कलर पवान लग गया मैंने तो शो कलर पा दिया मैं नहीं अम्मी वाले बना ले मैं तो यंग लेडी प्यारा जो ही अमी है है नहीं खा दी ग्रे ग्रे गया और नहीं खा लाए है ना नहीं पता ठीक है।